नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने एक नए YouTube वीडियो में आप लोगों का। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अभी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि मैं आया हुआ हूँ इलाहाबाद प्रयागराज में, और यहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर है। और सिर्फ इलाहाबाद प्रयागराज की नहीं, अगर हम बात करें तो भारत के हर राज्य में गर्मी की यही रूप है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह गर्मी बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। और इतना ज़्यादा है कि लोग हर जगह परेशान हैं। अभी हम लोग जहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ बिजली कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, कभी दो दो घंटे नहीं आती है। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपनी वो जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया है, जिस जिम्मेवारी में ये हमेशा हम लोगों को बताया जाता है कि पेड़ पौधा लगाएं, वृक्ष लगाएं, और हम लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर हर जगह अंधाधुंध वृक्षों की कटाई होती है, चाहे वो हाईवे निर्माण हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक का विस्तार करना हो। बहुत 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 मात्रा में हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, और उसके अनुपात में जितना लगाना चाहिए वैसा लगा नहीं पा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि हर साल कुछ ना कुछ गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। बाकी अभी हम जहाँ पे ठहरे हुए हैं देख सकते हैं ये जैसे शहर से दूर कोई बाज़ार जैसा जगह होता है, मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, 10x12 का कमरा है। हम लोग दो लोग हैं, लाल बेंदर जी भी आए हुए हैं। हम लोग यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आए हुए हैं, अभी से 6 महीना पहले भी यहाँ पे आए हुए थे। और लाल बेंदर जी एकदम बैठ के गर्दा उड़ाए हुए हैं आम का। अभी हम लोगों ने, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पूरा बाल्टी में आम भरा हुआ है, ये देखिए। और आम से याद आया कि क्यों ना हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर हम लोगों के पास सुविधा है, ज़मीन है, और गांव में ज़्यादातर लोग जो रहते हैं उनके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं होती है, वहाँ कुछ लगाएं ना लगाएं एक दो आम का पौधा लगा दें। और जितने घर में अगर 5 लोग हैं तो मेरे कहने के हिसाब से 2-2 आम का पौधा लगाइए, जो पौधा 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद बड़ा सा वृक्ष बन जाएगा, बदले में हम लोगों को आम का फल देगा। मौसम के में भी बहुत अच्छा सुधार आएगा, टेम्परेचर मेंटेन होगी। जहाँ भी हो, जितना भी हो संभव हो, कोशिश करें कि बड़े वृक्षों को नहीं काटें। बहुत ज़रूरी है अगर काटना तो काटने से 5 साल पहले 2-4 पौधों को लगा दें कि वो आगे चल के वृक्ष बन जाए, और जब आप काटें तो वो जो एक पौधा कटा बदले में 2-3 पौधा हो गया, वैसा करें। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी हम लोग जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ का दिखाते हैं। गर्मी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये बाहर में ही बेड का व्यवस्था करा हुआ है, और जहाँ ठहरे हुए हैं वो ये कमरा है हम लोगों का। ये मेनली अगर बात करें तो ये दुकान का स्पेस है, देखिए शटर लगा हुआ है, यहाँ आजू बाजू में दुकान ही है सारा। तो ये पिछली बार भी जब मैं आया था तो यहीं रुका था, अभी भी मैं यहीं रुका हूँ, तो ठीक ठाक कमरा है। ये इससे पहले, मेरे आने से पहले जो भी रहा हो तो उनका ऑफिस रहा होगा, ये तो उन्होंने अच्छा किया हुआ है, शीशा लगाया हुआ है। और देखिए यहाँ पर उनका काउंटर वगैरह भी है, इस काउंटर पर हम लोगों का ये बैग वगैरह है, और एक बेड यहाँ पे भी है। लेकिन गर्मी होने की वजह से ज़्यादातर हम लोग अंदर तो सो नहीं सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाहर ही सोते हैं। और जब लाइन कट जाता है तो मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पे हम लोग समय बिताते हैं लाइन कटने की स्थिति में। ये देखिए मेरे पीछे ये बांस का पेड़ है, इसी बांस के पेड़ के नीचे जनरली यहाँ पे, जहाँ पे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग का खटिया होता है, और यहीं पे हम लोग धूप में, गर्मी में बचते हैं इसी बांस के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। तो बस हमारे आज के वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य था कि हम लोग शहर में तो थोड़ा मुश्किल है, अब शहर में मैं रहता हूँ, दुकान भी रेंट पे है जहाँ रहता हूँ फ़िलहाल, अभी वो भी रेंट पे है। शायद 6 महीना लगेगा मुझे अभी अपने घर में शिफ्ट होने में, घर का काम आधा हो चुका है, अभी थोड़ा कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अगर कंप्लीट हो भी गया तो शहर के घर में पेड़ लगाना शायद संभव नहीं है, चूँकि स्पेस इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो हम अपने सारे दोस्तों से बोलेंगे कि भैया जहाँ भी हो
और गांव में अगर हो तो गांव में बहुत आसान है, घर के आगे, घर के पीछे, दलान में, बथान में, कहीं भी कोई खेत में लगा सकते हैं। और अब मैं जब भी अपने गांव जाऊंगा, घर जाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने वीडियो बनाता हुआ 2-4 आम का पेड़ जरूर लगाऊंगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।